हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरी आईआईटी स्टोरी के बारे में। शुरू करने के पहले मैं एक न्यूज़ आपको देता हूँ। आईएससी के इस बार के एडमिशन्स के लिए जेईई एडवांस का कट ऑफ ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में 900 को पार कर गया है। ये आज के पहले कभी भी 500 क्रॉस नहीं किया था और सिमिलर कट ऑफ आप नीट और जेईई एडवांस के थ्रू भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आईआईटी का कट ऑफ क्योंकि यहाँ पर सीट्स बढ़ गए हैं तो 50 तक जा सकता है, लास्ट ईयर ये 17 था। इसीलिए अगर आपके पास 1 या 2 साल हैं प्रिपरेशंस के लिए तो मैं कहूंगा आप जेईई एडवांस, नीट और मेन पे फोकस करें। अगर आपका टारगेट आईएससी है तो आइजर्स में भी आईआईटी से एडमिशन हो रहा है, लेकिन अगर आपकी इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन बेटर रहती है तो आप आईआईटी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये न्यूज मैंने आपको क्यों दी मेरी स्टोरी के पहले, क्योंकि मेरी स्टोरी भी हल्के में इसी तरह की है। मेरा ये एग्जाम जेईई मेन और जेईई एडवांस के बीच में पड़ा था। मेरे 2 वीक्स पहले नेस्ट के एग्जाम थे और वहां पर बायोलॉजी मेरा काफी अच्छा गया था, इतना अच्छा कि फाइनल स्कोर के इवैल्यूएशन में मेरा फिजिक्स ड्रॉप होकर बायोलॉजी इवैल्यूएट हुआ था। फिजिक्स उस साल थोड़ी हार्ड भी आई थी केवीपीआई नेस्ट दोनों में, लेकिन मेरा एंड में मैथ्स, केमिस्ट्री और बायो सेलेक्ट हुआ था। तो मैं आईआईटी के अंदर पूरे कॉन्फिडेंस में था कि मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो अच्छा ही है और बायोलॉजी कितना ही हार्ड ये लोग पूछ लेंगे। मेरा नेस्ट अच्छा गया है, मेरा उसी साल आईएमबीओ के लिए सिलेक्शन हुआ था, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट तो था। मैं गया एग्जाम हॉल में और पूरा पेपर नीट के पैटर्न पर बेस्ड था, यानी सब कुछ रट कर आंसर करने वाला। मैंने बायो का सेक्शन छोड़ ही दिया, मैं कहा ठीक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स देखते हैं फिर आएंगे। पीसीएम एज एक्सपेक्टेड थोड़ा आसान ही था। फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ थे, मतलब सॉल्व करने में लेंदी थे, बाकी नॉर्मल जैसा आपके बोर्ड्स पैटर्न का रहता है उसी लेवल का क्वेश्चन था। ऑलमोस्ट सिमिलर बात थी केमिस्ट्री में भी, पर मैथ्स में मुझे कुछ कुछ चैप्टर्स जो मैं भूल गया था जेईई मेन के बाद, जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वगैरह, वो सारे क्वेश्चन जब मुझे फिर से दिखे तो मैंने डिराइव कर दिए सारे, मेरे पास इतना टाइम था उस पेपर में। बायोलॉजी के पास जब मैं गया तो मेरे 11 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए 15 में से, थोड़े तुक्के भी मारे, कुछ ऑप्शंस कैंसिल किए, जो भी मुझे याद था मेरे केवीपीवाई डेज से मैंने ऑलमोस्ट वही सारी चीजें की। जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा फिजिक्स में मेरा 1 क्वेश्चन गलत हुआ था, मैथ्स और केमिस्ट्री मेरे फुल मार्क्स थे और बायोलॉजी में मैंने जितने अटेम्प्ट किए थे वो ऑलमोस्ट सारे सही हो गए थे। उस साल पेपर 180 मार्क्स का था, मुझे 167.5 आ रहा था, तो मैंने एक अच्छा रैंक एक्सपेक्ट करके चल रहा था। उस साल तक इससे आईसी के अंदर एडमिशन्स नहीं होते थे तो मेरा कोई स्टेक नहीं था इसमें, मुझे बस कोई भी रिजल्ट आ जाए मुझे चल जाता। रिजल्ट्स आए, मुझे ऑल इंडिया रैंक 8 मिली थी। उस साल कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं था, अराउंड 1-1.5 लाख लोगों ने ही दिया होगा। बेसिकली मैं इस स्टोरी से आपको क्या बताना चाह रहा था कि आईआईटी का पेपर कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहें कि ठीक है, अगर आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी अच्छी थी तो आप इस एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में इस एग्जाम को देने का प्लान कर रहे हैं 1 साल 2 साल बाद, तो मेरी अभी से यही एडवाइस रहेगी कि आप जेईई मेन, जेईई एडवांस लेवल को अपना अच्छा करें, या नीट अगर आप तैयारी कर रहे हैं बायो के अंदर, ये एग्जाम आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं अगर आप 14-15 दिन भी इसके मॉक टेस्ट वगैरह दे लेते हैं तो। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपका फाइनल टारगेट आईआईटी होना चाहिए, इवन इफ आपको रिसर्चर बनना है, तो मैं कहूंगा अपनी इंप्रूवमेंट के लिए, क्योंकि देखो आईआईटी एक आसान एग्जाम है, आप थोड़ी भी तैयारी अगर इसके लिए स्पेसिफिकली करोगी तो आपको हो जाएगा, लेकिन जब आप कॉलेज आओगे तो आपके ये फंडामेंटल्स जो आपको बिल्ड करने थे 11-12 में और आपने आईआईटी की तैयारी करके, नॉट जे एडवांस या नीट की, आपने वो चांस मिस कर दिया होगा थोड़ा सा और आप बैकलॉग में आ जाओगे। मैंने 2 साल से बायो मेजर लिया हुआ है अपने कॉलेज में, पर फिर भी जब मैं आईसीआई के क्वेश्चंस बनाने बैठता हूँ या फिर जे एडवांस के क्वेश्चंस बनाने बैठता हूँ तो मुझसे बन जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 11th और 12th में मैंने इन एग्जाम्स की तैयारी की थी। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में आपको ये चांस आए जब आपको ये सारी चीजें लगानी हो अपने रिसर्च के अंदर, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी मत रखो। जस्ट बिकॉज आपका टारगेट इस एग्जाम का है, आपकी जरूरत नहीं है कि आप इसी एग्जाम की तैयारी करो। आप अगर यहां तक भी तैयारी करोगे तो ये एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा, और ठीक है कोई बेटर एग्जाम, दूसरा एग्जाम, अपने ऑप्शंस ओपन रखोगे तो आपका एग्जाम आसानी से जाएगा, यानी ज्यादा टेंशन के बिना जाएगा और बेटर जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।